हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी हालत देख के पता ही चल रहा होगी मैं बस उठ के जा रहा हूँ ऐसे ही। तो सीन क्या है, कल है मेरी गाड़ी की डिलीवरी फ्रॉन्क्स की, तो मैं जा रहा हूँ उसकी पीडीआई करने, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने गाड़ी का। तो क्योंकि कल मेरे पास टाइम थोड़ा कम होने वाला है, कल एक दो ज़रूरी काम भी है, शोरूम मेरे घर के पास है, तो मैंने सोचा कि एक बार पीडीआई करते हैं उसकी और आपको भी दिखाते हैं कि पीडीआई में आप गाड़ी लेने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपकी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट साइन हो गए, उसके बाद अगर गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है ना, तो वो रिपेयरिंग में जाएगा, आप गाड़ी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो चलो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते और मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ शोरूम। और इससे पहले मैंने वाली वीडियो बनाई थी फ्रॉन्क्स की टॉप मॉडल की, अल्फा मॉडल था वो जो मैंने बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी वीडियो में आपको डिलीवरी मिल जाएगी, मतलब कल वीडियो को मैं पूरा कंप्लीट कल करूंगा। तो चलो चलते हैं, करते पहले पीडीआई। तो भाई हम आगे हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने गाड़ी की, ठीक है, पीडीआई करने के लिए हम आगे हैं। ये मेरी गाड़ी है और अभी ये वॉश होनी बाकी है। उससे पहले जो जो हम देखने वाले हैं वो है गाड़ी के बम्पर से शुरू करेंगे। आप देखोगे तो यहाँ पे ना कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं गैप दिख रहा है तो मतलब गाड़ी कहीं ना कहीं टच है। और थोड़ा सा आप ऐसे टच करके फील करेंगे ना, आपको अगर थोड़ा सा खुदरापन रफनेस अगर आपको फील होगी तो मतलब गाड़ी का बम्पर रिपेयर हो रखा है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना। और मैं एक बार देख लेता हूँ गाड़ी कहीं से लगी तो नहीं है, आप देखेंगे ये मिट्टी है, कहीं से लगी नहीं है, तो पूरा डस्ट लगा हुआ है। और दूसरी चीज़, आप ये बोनट है, इसको कैसे चेक करेंगे, आप ये देखेंगे जो गैप होता है ना, ये वाला गैप, ये इस गैप की यूनिफॉर्मिटी दिख बताएगी कि आपका ये बोनट चेंज तो नहीं है। अगर कहीं भी गाड़ी लगेगी कहीं भी, तो ये जो बोनट है ना, इसका जो गैप है, ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि भाई गाड़ी कहीं ना कहीं लगी है और रिपेयर है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहीं से। तो आगे से मुझे गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखेंगे बोनट मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ जो देखनी है वो है गाड़ी का शीशा। गाड़ी के शीशे पर कोई भी मार्क या कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, गाड़ी चलती है तो पत्थर लग जाता है, तो क्रैक आ जाता है, वह अपने को चेक करना है। वो अपन ने चेक कर लिया, बिल्कुल ओके है। अब आते हैं साइड की टायर प्रोफाइल पे। टायर प्रोफाइल के एक तरीका होता है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो गाड़ी का टायर है कितना पुराना है। जो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। एक आपका फॉर्म होता है, फॉर्म 22 बोलते हैं शायद जिसे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कब जाके बनी है कब नहीं, तो उससे आप इस टायर को मैच कर सकते हैं। और अब आते हैं डोर प्रोफाइल पे। डोर प्रोफाइल में बात करें तो इस गैप, ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है ये, और एक ये वाला गैप, ये आप जो देखेंगे इससे आप पता लगा सकते हैं कि गाड़ी कहीं से लगी है या नहीं है। दूसरा, गाड़ी को आप जब खोलेंगे गेट को, मैं ज़्यादा नहीं खोलता क्योंकि यहाँ पे ये है, गाड़ी को गेट को खोलने के बाद बंद करेंगे, अगर बंद करने में कहीं भी गाड़ी अटक नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, तो गाड़ी का गेट अपना ओके है। तो मैंने फ्रंट कर लिया है। रेयर में देखेंगे तो रेयर में भी मुझे कुछ ऐस सच नहीं दिख रहा है, तो इसके गेट को एक बार खोल के हम नॉर्मली बंद करते हैं, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। तो यहाँ से भी देखेंगे साइड में कहीं भी गाड़ी नहीं लगी हुई है। अब आ जाते हैं रेयर पे। रेयर पे भी सेम चीज़, आप ये देखेंगे ये यूनिफॉर्मिटी, कभी भी अगर कोई भी गाड़ी रिपेयर होगी तो उसका पेंट, ये आप देखेंगे ना टच करके, उसका जो पेंट है थोड़ा सा, मतलब आपको टच करके फील हो जाएगा थोड़ी सी रफनेस, जो इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के पास पेंट गॉज मीटर होता है शायद उसको बोलते हैं, उसकी रीडिंग्स आप टच करके पेंट की यूनिफॉर्मिटी पता कर सकते हो। अगर कोई भी पेंटेड होगा, कोई भी एक भी पैनल पेंटेड होगा तो वो उसमें रीडिंग आ जाएगी। तो दूसरी चीज़ मुझे जो चेक करनी है वो है इसकी डिग्गी। तो हम इसकी एक बार डिग्गी ओपन कर लेते हैं। ओके, डिग्गी में जो चीज़ हमें देखनी है वो है इसका टायर। ये रहा अपना टायर, अवेलेबल है, और बाकी टूल किट्स भी हमें अवेलेबल है। तो चलो ये भी ओके की रिपोर्ट है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं गाड़ी कहीं से भी कुछ भी अगर कहीं रिपेयर होगी कुछ होगी तो आपको यार वो टच करके या डोर की साइड से आप इजीली पता लगा सकते हो। कई बार क्या होता है, बम्पर अगर चेंज होता है ना, यहाँ पे भी गैप आ जाता है, तो इस गैप से आप पता लगा सकते हो कि बम्पर चेंज है या नहीं है। तो पीछे का बम्पर एकदम टिंच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको कर देते हैं बंद। तो ये है इसका रेयर व्यू। और सेम तरीके से मैंने यहाँ का भी इंस्पेक्शन कर लिया है, और एक बार इंस्पेक्शन करते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर की बात करें तो ये सारे जितने वर्किंग है ये मैं देख चुका हूँ, वैसे पावर विंडो वगैरह सब वर्किंग है।
आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चला के देख सकते हो, हॉर्न वगैरह। मेरा बेस मॉडल ऐसे म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, इसका भी मैं पूरा डिटेल रिव्यू बनाऊंगा। तो कुछ अंदर से भी आप देखेंगे, गाड़ी अभी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि जस्ट अभी आई है, और सन वाइजर वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो बाकी मैंने कर लिया है इसका इंस्पेक्शन। और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ, इंजन को खोल के इंजन नंबर को आप मैच कर लेना, एक डॉक्यूमेंट आता है, अभी जस्ट मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा वो डॉक्यूमेंट। और इसका एक बार इंस्पेक्शन हम करें, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये ठीक है, ये है इसका इंजन। इंजन नंबर को एक बार आप मैच कर लेना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे नंबर होगा वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। चटपी इसको लगी भाई, एक बार इसको लगा दे हम। वो इधर उधर उधर उधर, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ऊपर उठा, ठीक है तो लग गया ना। ठीक है, मैं एक बार आपको इंजन नंबर दिखाता हूँ। एक कुछ इस तरीके से डॉक होता है, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्स होती है, इसमें आपका इंजन नंबर होता है। मैं एक बार आपको पॉज करके ना पहले इंजन नंबर ढूंढ के फिर आपको उसका इंजन नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह दिखाता हूँ। देख अभी है भैया, डिलीवरी से पहले पीडीआई कर रहा हूँ गाड़ी की। कल डिलीवरी है ना इसकी, मेरी ही गाड़ी है ये, टेंशन मत लो, कल डिलीवरी होनी है। तो ये देखेंगे, ये रिसिप्ट है जिसमें आपको मिल जाएगी गाड़ी कब बनी है, नवंबर 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। इसमें आपको चेसिस नंबर, इंजन नंबर सब मिल जाएगा, वो आप मैच कर लेना यहाँ से। तो वही बोल रहा हूँ भैया को मैं तो ये सब चीज़ें आप मैच कर लेना, बाकी देख लेना, बाकी देख लेना कि यहाँ पे आप जो पैनल है ये आपका कहीं से भी टच ना हो। बाकी ये था यार इसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, बाकी अब हम लेंगे कल इसकी डिलीवरी और इसी वीडियो में वो आपको मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं डायरेक्ट डिलीवरी पे। तो भाई गाड़ी हो गई तैयार, चाचा भाई पापा और रोहित तैयार है लेने के लिए। तो गाड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, अब इसको रिबन लगवा देते हैं, फिर लेते हैं इसकी डिलीवरी और फिर चलते हैं लेके कालका माई के पास। तो ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार हो गया है, तो करते हैं शुरू। Thank you.